हेलो फ्रेंड्स, मलेशिया कुआलालंपुर के इस व्लॉग में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम घूमेंगे पूरा कुआलालंपुर शहर। आप मलेशिया को कम बजट में आराम से घूम सकते हैं। फ्लाइट की टिकट एयर एशिया की दिल्ली से मिल जाएगी 15,000 की। होटल शुरू हो जाते हैं 1,000 रुपए से पर नाइट से। 7 दिन का मलेशिया का ट्रिप 40,000 में आप आराम से कर सकते हैं, पर हमने होटल थोड़े महंगे वाले लिए और इसलिए हमें ये ट्रिप पड़ा 50,000 रुपीज पर बंदा। कुआलालंपुर शहर जो कि भरा हुआ है हमारे इंडियन, पाकिस्तान और बांग्लादेश भाइयों से, जहां भी देखो आपको इंडियन नजर आ ही जाते हैं। कुआलालंपुर नाइट लाइफ और लंकावी आइलैंड के सेपरेट वीडियो आएंगे, नहीं तो ये वीडियो काफी बड़ा बन जाएगा। चलो फिर मलेशिया का ये व्लॉग शुरू करते हैं। एयर एशिया वाले काफी स्ट्रिक्ट हैं उसमें, बैगेज में हमारा तो 7-7 किलो ही था। क्यों जहरी बाजी आज अब बता दे 12 किलो था। 12 था, चलो मैं बता रहा हूँ। जहरी बाजी हमारे साथ जा रहे हैं काफी सालों के बाद, पहले 6 साल के बाद ये खुद ब्लॉगिंग कर रहे हैं। 5 साल के बाद पहले मेरे साथ चाइना गए हैं 1-2 बार और थाईलैंड भी गए हैं। चलो अगर बैगेज 7 किलो से ऊपर हैं तो 6,000 रुपये लेंगे काउंटर पर अगर आप यहाँ से करोगे। अगर दो स्पॉट बड़ा महंगा पड़ता है, 6,000 के आसपास पड़ जाता है एयर एशिया वाला, तो पहले बुक करा लो अगर बैगेज एक्स्ट्रा है तो। हमारे से तो बस वहाँ पे होटल बुकिंग पूछी थी दिल्ली एयरपोर्ट पे और पैसे पूछ रहे थे। मैंने कहा $300 है भैया अपने पास और क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड सब है, और पूछा अराइवल कार्ड जो यहाँ का भरना होता है, लिख दूंगा यहाँ पे भर लेना 3 दिन पहले। कुआलालंपुर पहुँच गए तो इमिग्रेशन से पहले सिम कार्ड वाले बैठे हैं और ये है 15 GB वाला सिम कार्ड लेते हैं। ये 15 GB वाला है, ये सब डाटा वाले हैं सिर्फ 30 RMB ये देख लेना आप, ठीक है। सस्ते हैं, 600-700 में 15 GB मिल जाता है। सिम कार्ड भी ले लिया था, सिम कार्ड है 30 RMB का, 600 रुपये हो गए हमारे, 15 GB डाटा मिलेगा 7 दिन के लिए। वैसे 7-Eleven में सस्ता का मिल जाता है। और इमिग्रेशन तो काफ़ी स्मूथ रहा, कुछ भी नहीं पूछा भाई साहब, कुछ भी नहीं पूछा। पर टाइम बजे अभी 9, होटल वाले ने बोला 3 बजे एंट्री देंगे और हम सोच रहे हैं जाएँ कहाँ भैया, 6 घंटे हैं हमारे पास और एयरप्लेन में तो हम सो गए थे, अब देखते हैं कहाँ चलना है। इमिग्रेशन के बाद का नज़ारा देख लो सर जी, यहाँ पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं और अच्छा एयरपोर्ट बना हुआ है। जहरी बाजी कुछ फरमाइश करें, जहरी बाजी क्या फरमाइश है आपकी? कॉफ़ी पीनी है उसके बाद देखते हैं। कॉफ़ी पियेंगे फिर होगा हमारा पेट साफ, पूरी बात करा करो, डरा मत करो वीडियो में। सही बात है, अरे फैमिली पार्ट भी है यार यहाँ पे 7-Eleven का भाई। ये है मेट्रो लाइन, पर हमने देखा था थोड़ी सी महंगी पड़ रही थी, 50 RM मांग रहे थे और 50-55 RM भी हमारे होते हैं 1,000 रुपये। भाई साहब बहुत महंगी मेट्रो है, इससे अच्छा हम 55 RM होते हैं 11,000। इससे अच्छा हम दो बंदे या टैक्सी कर लें तो 1500 में पहुंच जाएंगे। मेट्रो महंगी पड़ रही है और टैक्सी सस्ती पड़ रही है ग्रैब। कहाँ भाई साहब कॉफ़ी देख रहे हैं। सुबह के 9 बजे अभी हम आए हैं यहाँ पे और फूड कोर्ट खुला हुआ है। ये बढ़िया सिस्टम है ना टूरिस्ट के लिए, जो मर्जी खा पी लो सुबह 24 घंटे। और इंडियन भी है भाई, इंडियन भी है, क्या बात है यार। ये होता है एयरपोर्ट अराइवल आते सारी यहाँ पे खाने पीने की मौज है। और सामने आप देख सकते हैं कि एरोप्लेन भी आपको नज़र आ रहे हैं, कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, हम एयरपोर्ट पे ही हैं अभी। और भूख लग रही थी, थोड़ा मंगवाया है, फिश मंगवा ली है, ये हुआ है सूप है साथ दिया इन्होंने। और ये फूड कोर्ट है, यहाँ बैठे हैं यहाँ पे ना, एयरपोर्ट के अंदर ही फूड कोर्ट बना हुआ है एयरपोर्ट पे। ये एक दूसरा है हॉटलिंक का भी कंपनी है और इनकी जो स्कीम है ना 5G वाला, 50 RM के अंदर 40 GB है, मैंने 30 का लिया ना ऐसे। चलो ठीक है यार, बहुत वैरायटीज हैं यहाँ पे ना सिम कार्ड की। Level 1 पे हम आ गए, बस पे जा रहे हैं, हमें बस अभी सस्ती पड़ रही है। 16 RM की टिकट है बस की, हमने मशीन से निकाल ली है ये टिकट है। 16 मतलब कितने हो गए हमारे, 320 रुपये में पहुँच जाएंगे हम, है ना, 320 में पहुँच जाएंगे। और बस, और वो टैक्सी दिखा रही थी 1,000 रुपये, और मैंने कहा चलो बस के मजे भी लेते हैं।
क्यों? टैक्सी आ रही 1400 रुपए। 1400 रुपए यार, जो टैक्सी आ रही थी वो हमारी है 67 RM की, मतलब कितना हो गया 1300-1400 रुपए। तो हमने कहा बस से चलते हैं, और बस की जो टिकट मिली है वो 16 RM की मिली है, मतलब 320 रुपए के आसपास पर बंदा। बस स्टॉप के लिए उन्होंने बना रखा है सब पूरा अराइवल डिपार्चर बस का। बढ़िया यार, बस तो टाइम पर ही है। Nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Bus ka safar karke hum pahunch gaye hain Kuala Lumpur ke main bus adde pe. Isko bolte hain KL Central. Aur bus adda to kafi bada hai, jaise aap isse dekh sakte hain, khulla bhi hai. Aur bus adde ke bilkul saath hi mall hai. और जैसे कि आप देख सकते हैं कुआला लंपुर फेमस अपने मॉल्स के लिए, अभी तो हम ज़्यादा आगे गए ही नहीं है। और बस अड्डे के साथ जुड़ता हुआ एक मॉल, कैसा वैसा मॉल? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक तो ये होटल्स वाला को बड़ा पंगा है यार, 3 बजे कमरा देगा, बताओ 12 बज गए, आप 3 घंटे कहाँ टाइम पास करें। तो मॉल में आ गए, मॉल में इंजॉय कर रहे हैं, इंजॉय क्या कर रहे हैं, मॉल में मॉल घूम रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। और ये बस अड्डे पे बर्गर किंग खुला हुआ था और यहीं पे हमने कुछ ले लिया पत्ते। ये अच्छा करा है इन्होंने, पहले फ्रेंच फ्राइज देते थे ना, अब फ्रेंच फ्राइज जगह अब ये चॉइस है, आप सलाद भी ले सकते हो। और ये तो मैं आपको दिखाई चुका हूँ बस अड्डा। तो बस स्टेशन से हम जा रहे हैं मेट्रो लेके बुतिक बिंताक। बहुत रश है भाई, क्यों भाई? जैसे हमारा दिल्ली का मेट्रो कार्ड होता है ना, वैसे यहाँ पे कार्ड होता है, इसका नाम है टच एंड गो, पता नहीं पढ़ा जा रही है ना। और ये टच एंड गो कार्ड ले लेना, हर जगह मिल जाता है ये आपका, मेट्रो और बस में हर जगह चलेगा, बार बार टिकट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रश बहुत था मेट्रो में, चलते हैं फिर। वैसे तो हम टैक्सी करके भी जा सकते थे, पर हमारा तो उम्मीद, हमारे को ये दिल था कि हम ये मेट्रो में घूमें और बस में देखें कैसी होती है मलेशिया की बसेस और ट्रेनें, इस करके हम इसमें जा रहे हैं। बड़ा रश है भाई। भाई लोग हमारा एक्सपीरियंस बता देते हैं, हम बस अड्डे से आए, कार लिया, ये टच एंड गो, और दो मेट्रो पकड़ के बुतिक बिंताक आ गए हैं जहाँ हमारा होटल है। और हमारे लगे 1.7 RM, जो कि अंदाजा बनते हैं 35 रुपए, 35 रुपए लगे हैं 6 किलोमीटर के, सस्ता है यार। बुतिक बिंताक, ये है माहौल, खाने पीने की दुकान है, 7-Eleven भी खुला हुआ है। हेलो जैरी भाजी, जो हमारे अपने YouTube चैनल शुरू कर रहे हैं, इन्होंने ले ली है लंबी सी टूटी, टूटी ली है महंगी 70,000 रुपए की। और क्या नाम है सब, आप चैनल क्या नाम है? अभी चैनल नाम नहीं, लेट्स गो पाजी, देखते हैं अभी, अभी सोचेंगे, सोचेंगे तो बता देंगे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर। रिलैक्स टाइम यार, ये होटल का बड़ा पंगा है, 3-3 बजे होटल देते हैं और हमें घुमाते रहते हैं गलियों के अंदर। गाना याद आ रहा है, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। और भाई साहब काफ़ी मुश्किल से 3 बजे कमरा उन्होंने दे दिया, कमरा तो साफ़ सुथरा है, देखने भी अच्छा है। और व्यू देख लेते हैं यहाँ से, कैसा व्यू है, वाह क्या व्यू है। ये हमें पड़ा है 4,000 रुपये का कमरा, और बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स है, ये बिल्डिंग देखो क्या भाई सब, क्या बिल्डिंग है, मज़ेदार रूम। चलो मज़ा आ गया, रूम तो मिल गया, 3 बजे मिला पर मिल गया। सो लगे हाथ ऊपर से हम आ गए हैं ये देखने के लिए स्विमिंग पूल अपार्टमेंट का, और काफ़ी अच्छा लग रहा है यार अपार्टमेंट, है ना, काफ़ी। अभी आते हैं यार, इसमें भी थोड़ा सा इंजॉय करेंगे। और भाई सब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे, बच्चों का पूल हुई है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं कुआला लंपुर में, ये नज़ारे हैं बहुत ज़बरदस्त, और पूल देखो मज़ा आ गया। 7-Eleven पे थे, बियर ले लिया है, थोड़ी सी महंगी है और 5% वाली मिलती है महंगी, वो दूसरी स्ट्रांग नहीं मिलती। तो भैया हमें बता रहे थे अगर दूसरी लेनी है तो वाइन शॉप पर जाना पड़ेगा आपको, और वाइन शॉप पे आपको सब मिल जाएगा, वो हमें देखना पड़ेगा वाइन शॉप कहाँ है। और यहाँ पे लिखा था कि 9 बजे तक मिलती है, पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे 12 बजे भी मिल जाएगी, लिखने में है सिर्फ 9 बजे अटरम बटरम, हमेशा मिल जाएगी।
ये मुझे वही सीट लग रही है जलान आलोर वाली, जैसा से अभी खुली नहीं है ना, अभी तो बजे हैं कितने बजे, 4 बज गए भाई, 4 बज गए तो अभी तो लगना शुरू हुआ है अभी तो। चलो देखते हैं, रात को भी आएंगे नाइट लाइफ एक्सप्लोर करने यहाँ पे। हम ये सीट पे घूम रहे थे, हमें क्या चीज नजर आई है भाई साहब, क्या जबरदस्त है, अपने आप ही चल रहा है नूडल्स वाला, वाह यार जादू है जादू। सी फूड रेस्टोरेंट है, सी फूड काफी है यहाँ पे, ऐसा एक दो नहीं है, काफी रेस्टोरेंट भरे पड़े हैं भौतिक बिताग एरिया में। घूमते घूमते हम आ गए हैं, ये प्लाजा है कोई, यो प्लाजा लो यार्ड, जहरीबाजी कह रहे हैं यहाँ पे ना, बहुत अच्छा क्या इलेक्ट्रॉनिक मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक मिलता है बड़ा अच्छा है यहाँ पे, चेक करते हैं आईफोन की प्राइस। यहाँ तो यार सब कुछ घूमेंगे, प्लाजा कौन सा है, लो यार्ड, आते सारी सब इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स खुल गई हैं यहाँ पे, खुल क्या गई है, शुरू हो गई है। कितने फ्लोर का मॉल है यार ये, 135 में, 35 आरएमबी के अंदर, रिंगेट में 150 जीबी, कौन सा है, यस ब्रांड है, यस यहाँ से आप कर सकते हैं, आप ले सकते हैं 150 जीबी, 150 हमारे कितने हुए, 700 रुपए के अंदर 150। एक्शन कैमरा DJI का क्यों, और ये एक नई तरह के बैकपैक आए हैं, हाउ मच फॉर दिस, ओके 469 का है, मतलब 10,000 का हो गया हमारा ये, और लाइट वाइट वाला बैकपैक है ये। वाह क्या मॉल है भाई साहब, सारा इलेक्ट्रॉनिक से भरा पड़ा है, जो बंदे इलेक्ट्रॉनिक पसंद करते हैं उसके लिए तो जन्नत है यार ये। और यहाँ आपको सेकेंड हैंड फ़ोन भी मिल जाते हैं हर ब्रांड्स के, जैसे आप देख सकते हैं ना यहाँ प्राइस लिखे हुए हैं, तो मतलब न्यू फोन्स और सेकेंड हैंड फ़ोन दोनों मिल जाते हैं यहाँ पे। क्या मुझे रिकॉर्डिंग करने के लिए मना नहीं कर रहा, क्योंकि स्टोर ही सारे कैमरा के हैं ना, सारे कैमरा ले लो, इलेक्ट्रॉनिक्स ले लो, जो मर्जी रिकॉर्ड करो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यही कोई स्टोर होता है जहाँ पे डुप्लीकेट सामान बिकता कुछ होता, तो उस टाइम फिर वो दिक्कत करते हैं, फिर वो जहाँ पे इलीगल काम होगा ना वहाँ रिकॉर्डिंग करने के लिए मना करते हैं। अब मैं आ गया हूँ पूरे मतलब लास्ट फ्लोर पे, अरे लगता है और ऊपर है यार, भरा पड़ा यार ये तो, भरा पड़ा है मॉल। चलो कैसा लगा आपको ये बाजार सर, गफार मार्केट जैसा, गफार मार्केट यार इतना लेटेस्ट है यार, तो गफार की यार क्या बात कर रहा है, गफार तो है ना, गफार जैसा ही है, सिर्फ स्केल थोड़ा सा बड़ा है, तो मॉल है यार पूरा, पूरा मॉल है, तो गफार की बात कर रहे हैं, गफार भाई यही हो रहा है, गफार तो वो एक वनी फ्लोर है, मैं लग रहा है कि ऊपर वाले फ्लोर में आ गए, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि सारे ही इंडियंस हैं जो काम कर रहे हैं, और लैपटॉप रिपेयर वेयर सब चल रहा है, फर्स्ट हैंड सेकंड हैंड सब चीज आपको मिल जाएगी। क्या जी, लॉट 10 है, उसके ऊपर भी एक वो है कॉफी शॉप है बड़ी सही। अच्छा काफी रश है यहाँ पे, और HMM के सामने, अरे ये मैडम अंदर क्या कर रही है, बैलून के अंदर मैडम, क्या बात है, नई नई चीज देखते हैं लोग, रश देखो जी आप, चलो बाहर चलते हैं, ये मॉल है ऊपर, मॉल के अंदर इन्होंने एक स्ट्रीट फूड की गली बना रखी है, मतलब ऊपर 10 मंजिला मॉल है, और नीचे इन्होंने यहाँ से खाने वाने का बना रखा है। ये जो है बड़ा अच्छा है यहाँ पे, ये स्क्रीन देखो बड़ी बड़ी, ओ भाई साहब ये चौक अच्छा लग रहा है यहाँ पे, पेविलियन मॉल है और उसके सामने ये मेला लगा हुआ है। चलो चलते हैं, वॉक करते हैं थोड़ा, और घूम रहे हैं हम यहाँ पे स्ट्रीट के ऊपर, यहाँ पे टुर्किश रेस्टोरेंट बहुत सारे हैं, ये देखो ये बड़ा अच्छा है डमास्कस, इसका बड़ा नाम है, इसमें दो तरह के शर्वाना मिलते हैं यहाँ पे, काफ़ी ये लाइन देखो अगर लाइन लगा के बिक रहा है सामान, वही तो मैं कह रहा लाइन लगा के बाल बिक रहा है कि लाइन देखो सर, ये सिर्फ शर्वाना लेने की है लाइन। दोबारा आ गया डमास्कस, क्या नाम है,
हाँ ये वही, ये दूसरा वाला ब्रांड है इसका, उसी की दूसरा ब्रांड क्या होता है, एक ही है, दूसरी आउटलेट है। अच्छा दूसरी आउटलेट है उसकी, मतलब हाँ। रश ज्यादा यहाँ पे भी लाइन लगी है भाई, लगी है, बैठने की तो जगह ही नहीं अंदर, सब रश ही रश हो रहा है। इतना फेमस ब्रांड है इसका यहाँ पे, मतलब शोरवामा रोल बड़े फेमस है ना, तो सब लोग कहते हैं यहाँ पे आए हैं कुआलालंपुर में, वो लाइन देखो सामने जाना है, सामने जाना, चलो सब लोग कहते हैं आए हैं तो यहाँ पे ये आइटम जरूर खानी है। देख रहे हो आप लाइन, ये लाइन वैसे दूसरी है, ये क्या नाम है, कुनाफा क्रेप्स, दोनों साथ साथ ही हैं। हम हलो स्ट्रीट पे दोबारा आ गए हैं, रात का टाइम है थोड़ा सा और यहाँ पे शुरू हो गया सब कार्यक्रम। वाह जी वाह, खाने की बहार है, खाने की बहार, वाह ये तो स्ट्रीट जन्नत है खाने वालों के लिए। उठ गया हूँ भाई, 4 घंटे सोया हूँ पर उठ गया हूँ। आज बड़े 2 इम्पोर्टेंट काम करने हैं, काम क्या करने हैं, घूमना जाना और क्या। जा रहे हैं जेंटिंग, जेंटिंग के अंदर मैंने बुक करा लिया, क्या कहते हैं उसको, टैक्सी, टैक्सी से जाएंगे, 88.90 बता रहा है, देखते हैं। देख रहे हो आप कितनी शांति है यहाँ पे, देख रहे हो, क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको मैं, शांति इस तरह कोई भैं नहीं कर रहा, हॉर्न नहीं बजा रहा, इसलिए शांति है यहाँ पे। देखो सबसे बेस्ट तरीका तो बस से है, पर मैं टैक्सी से जा रहा हूँ, 90 दिखा रहा है, 90 मतलब हो गए हमारे 1800-1900 रुपये हो गए एक साइड के, ठीक है। और नज़ारा देखो, थोड़ा सा हम कुआलालंपुर से आगे बाहर निकले हैं, साहब क्या नज़ारा है, देखो पहाड़ियाँ ये आ रही हैं, पहाड़ियाँ, कुआलालंपुर पहाड़ियों से घिरा हुआ ऐसे लग रहा है, बादल तो भाई साहब। तो जेंटिंग हाईलैंड जो है वो पहाड़ों पे बना हुआ है, मैं गया था पहले शायद 2008 या 2010 है, भूल गया था, बच्चे भी छोटे छोटे थे तो मैं गया था जेंटिंग हाईलैंड, उस टाइम भी छुट्टी भी नहीं होता था तो मैं गया था उस टाइम, तो अब मैं 24 में जा रहा हूँ। देखो ट्रैफिक कैसे चल रहा है, बिल्कुल लाइन में, सारे 3 लाइन है और तीनों में एक एक गाड़ी है, ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कोई यहाँ से जा रहा है, कोई बीच में से जा रहा है, कोई वहाँ से जा रहा है, जैसे हमारे यहाँ होता है, काफी ट्रैफिक जाम है यहाँ, देख सकते हैं ना, देखिए गाड़ी स्लो चल रही है सारी, और ये 15-20 मिनट से ऐसे ही चल रहा है। पहुंचिए हम, ये यहाँ से ट्रॉली लेनी पड़ती है, तो अभी ट्रॉली देख रहा हूँ कहाँ से मिलेगी ट्रॉली की टिकट, यहाँ पे नहीं है, उधर चलते हैं। 1 घंटा लगा है, 1 घंटा और पहुंच गए यहाँ पे, ट्रॉली है सामने, काफी लोग, मतलब मेरे को लग रहा है संडे से ज्यादा है, चलते हैं ऊपर फिर। ओ भाई साहब रश देखो तुम, ये लाइन देख रहे हो, ये टिकट की लाइन है, और ये टिकट की लाइन है, काफी रश था और मशीन में सिर्फ कार्ड चल रहा था, कार्ड तो अपने पास था और टिकट ले लिया है, और पहले उस वो लाइन में इतना रश था, अब यहाँ पे इतना रश है, देख लो गोल्डोला के चढ़ने ऊपर जो भी रोक चढ़ने में इतना रश है। टिकट आई है 10 रिंगेट की, 10 के तो 200 रुपए की टिकट है हमारे साथ, 10 रिंगेट। रश देख लो भाई साहब आप कितना रश हो, टैक्सी सीधा ऊपर चला जाता ना, ऊपर जेंटिंग सीधा तो बढ़िया था, ये पंगा ले लिया फालतू का। और 1 घंटा हो चुका है लाइन में लगे हुए, लोग ही हिम्मत आवे जो खड़े लाइन के अंदर, मैडम भी हंस रही है पीछे वाली मेरी, एक तो नाइट लाइफ के चक्कर में नींद पूरी नहीं हुई, आगे हम मेरे देख सकते हैं और ऊपर से ये सजा मिली है मुझे इस टाइम। बारिश
भाई साहब डेढ़ घंटा लग गया लाइन में, डेढ़ घंटा। चल बड़े भाई साहब, वाओ देखो देखो बादल आ रहे हैं पहाड़ पे। तो नाइट लाइफ के चक्कर में नींद पूरी हो नहीं पाती, उसके बाद ये डे वाला काम तो बड़े मुश्किल हो जाते हैं। बिल्कुल अंधेरा हो चुका है और पूरे बादल है, देखो ठंड हो रही है। मेरे को ना फुल स्लीप जो होते हैं ना, क्या कहते हैं वो, पहन के आना चाहिए। अब दिमाग में आया यार, ठंड होती है यहाँ तो, जेंटिंग में ठंड होती है। अभी हम वहां से आए हैं उधर से और नीचे जा रहे हैं। अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। लोग बेसिकली आते हैं, थीम पार्क है घूमने फिरने, और क्या कहते हैं थीम पार्क झूले वूले होते हैं, और आते हैं कैसीनो के लिए। फर्स्ट वर्ल्ड कॉम्प्लेक्स, यहाँ तो बच्चों की गेम्स लगी हुई हैं थोड़ी बहुत, हाँ गेम्स ही हैं सारी। और आगे चलते हैं, किया किया रे किया रे किया रे सनम, किया किया रे किया रे सनम। ये थीम पार्क लग रहा है, इसमें झूले वूले लगे हैं सारे, पर इसमें टिकट लेनी पड़ेगी। ओ भाई साहब ये बड़ा खतरनाक लग रहा है। वहाँ गए हम इस जगह पे, यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह काफी हैं। श्वांग विलेज मॉल टाइप से बना हुआ है ना, पाइन एप्पल या ये 200 रुपए का, अभी खाएंगे। और अच्छा लगा वैसे तो, काफी बड़ा है और घूमने के लिए ना काफी टाइम चाहिए, तब जाके बात बनेगी। मैकडोनल्ड्स, ओ भैया घंटी हो रहा है, और दोबारा गेम्स आ रही है। ये गेम्स का सेकंड वाला है, पहले वाला दूसरा था, ये सेकंड है। कंफ्यूजिंग लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है चाइना का है। बस घूमे जा रहा हूँ घूमे जा रहा हूँ, पहली बार आया हूँ ना तो आइडिया नहीं हो रहा है जाना कहाँ मुझे। आलीशान बढ़िया है, खुला खुला होटल, सब कनेक्टेड आपस में, चार पांच होटल है सब कनेक्टेड अंदर से। काफी लोग हैं सामने, कैसीनो भी चलते हैं। कैसीनो 7-11, और ये है थीम पार्क। पता नहीं लोग कैसे बैठ जाते हैं इसमें, देखने से चक्कर आ। इतना बड़ा है ना, चल चल के मेरी ऐसी ऐसी हो गई है, घूम ही जा रहा हूँ घूम ही जा रहा हूँ। चलो अब थोड़ा सा कैसीनो में चलते हैं। रिकॉर्डिंग का मुझे पता नहीं, कैसीनो में रिकॉर्डिंग होती नहीं होती है, देखते हैं अंदर जाके। कैसीनो में हुआ था, और कैसीनो में बड़ा बड़ा साफ साफ लिखा हुआ था कि नो रिकॉर्डिंग नो फोटो, 50 जगह लिखा हुआ था। तो मैंने तो हिम्मत करी नहीं रिकॉर्डिंग करने की, और मैंने कोई बात नहीं, फिर आपको समझा देता हूँ क्या था। मतलब बहुत बड़ा कैसीनो है सामने है, और काफ़ी बड़ा कैसीनो है, और उसमें भी कॉफ़ी आपको कम्प्लीमेंट्री मिल रही है उसके अंदर। तो उसमें दो सेक्शन है, एक तो मतलब जनरल सेक्शन है जहाँ हर बंदा बैठ सकता है, सिल्वर है गोल्ड अलग अलग है, वहाँ पे आपको खाने वाना भी मिल जाता है सिल्वर गोल्ड में। जनरल में हमें कॉफ़ी मिली है, मतलब कम्प्लीमेंट्री कॉफ़ी पी लोनी मर्जी। बसेस में देख रहा था तो बसेस मिली नहीं मुझे कोई, तो फिर मैंने टैक्सी कर ली दोबारा से ऊबर। तो अभी 80 का है और पहले 90 का था, मतलब 1880 कितनी होते हैं अभी, 1600 की पड़ेगी और पहले 1800 की पड़ी थी। वो एक साइड की बता रहा हूँ, 1600 और 1800, क्योंकि
बसेस आज की हुई बसेस थी नहीं, कल की बस मिल रही थी, तो मुझे तो आज जाना है ना। अच्छा टाइम पास हो गया, अच्छी जगह है घूमने के लिए, और आ सकते हो आप पूरा डे स्पेंड करने के लिए आ सकते हो। और होटल काफी सारे होटल बने हैं, लोग होटल में भी आते हैं। चलो चलते हैं फिर कुआलालंपुर। यहाँ पे ग्रैब बेस्ट है, अगर वो मैंने दूसरा पूछा था मीटर टैक्सी तो 146 कह रहे थे मीटर वाली, और तक ग्रैब 70-80 में तो ग्रैब जा रही है, तो ग्रैब बेस्ट है, ऑनलाइन ले लो। एक नए दिन की शुरुआत, जा रहे हैं अभी हम बातू केव्स, और ग्रैब टैक्सी मंगवाई हुई है और वेट कर रहा हूँ ग्रैब का। ग्रैब टैक्सी ऐसे बिल्कुल ठीक पड़ती है, पर कभी कभी जैसे बहुत ज़्यादा डिमांड, जैसे हमारे यहाँ ओवर भी होता है ना, बहुत ज़्यादा डिमांड होती है तो रेट महंगा कर देते हैं। कल रात को हम चेक कर रहे थे तो 4 किलोमीटर का 700 रुपये बता रहा था, तो जहरी साहब था तो मैं तो फिर मैंने नहीं छोड़ा यार, हम फिर ये करके आ गए थे, मेट्रो करके आ गए थे। तो अभी जा रहा हूँ बातू, और ये बोते बिंदास से पड़ेगी 15 का मतलब हो गया हमारे 300 रुपये एक साइड के, ठीक है यार 300-400 इतना तो चलता है, और ये है दूर भी है, 15 किलोमीटर दूर है। हाँ जी सर, पहुँच गए हैं बातू केव्स, और अभी ऊपर जाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे। ये टेंपल एरिया है, यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई है। चलो, बहुत खूबसूरत कलरफुल लग रहा है। बातू केव्स जो है, गुफाएं और मंदिर जो है आप देख सकते हैं, ये मेन अट्रैक्शन है। तो यहाँ पे कुआलालंपुर आ गए तो यहाँ जाना बनता है हर हालत में। वहाँ से आवाज़ भी आ रही है। अब मैं केव विला यहाँ पे जा रहा हूँ, 5 रिंगेट इसकी एंट्रेंस चार्ज है, 5 रिंगेट। डांस परफॉर्मेंस हो रही है वहाँ पे, इतने अच्छे लग रहे हैं ना वो भाई सही। अच्छा बना रखा है इन्होंने, पुरानी ऐसे अच्छा राजाओं की ये फोटोस वगैरह लगा रखी हैं। अच्छा अच्छा रामायण की सब, वाल्मीकि जी वैसे ना। अभी गुफा में ही अभी हम देखें ना, ये गुफा है यहाँ। इन पिक्चर्स के बारे में इन्होंने लिखा भी हुआ है कि पिक्चर्स क्या चीज़ का है, और देख रहे हैं साउथ इंडियन, मेरे ख्याल से तमिल है, उससे लिखा हुआ है इन्होंने। इसकी टिकट आने की मंदिर के साथ में ही है, पर अच्छा बनाया, 5 रिंगट की इसकी है, पर सारी हिस्ट्रीज वगैरह उन्होंने ना मूर्ति के स्टाइल में डिपिक्ट कर रखी है। अच्छा अच्छे बनाया, केव्स तो है ही, केव्स के अंदर इन्होंने पूरा हिस्ट्री को दिखाने की कोशिश करी है। अब हम जा रहे हैं केव ऑफ रेप्टाइल्स। अच्छा ये रेप्टाइल्स है, अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी मना है, पर हैरानी की बात है अंदर खुद कैमरामैन बैठा हुआ है जो पैसे लेके फ़ोटो खींच रहा है। भैया तुमने पैसे लेके फ़ोटो खींचनी है तो हमें भी तो खींचने दो, हमारे पास जो मोबाइल फ़ोन उससे लेने दो। अंदर क्या है, अंदर सांप है, बड़े तरह के 40-50 तरह के सांप हैं, और रेप्टाइल्स मकड़ियाँ हैं, ऐसी चीज़ें हैं, एक टॉर्टोइस भी है, बहुत पुराना लग रहा है, 100 साल पुराना लग रहा है इतना, और छोटा सा है वो रेप्टाइल की केव। अच्छा है, पर फोटोग्राफी बंद कर रखी थी उन्होंने ना, तो अंदर बना नहीं पाए। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे थोड़ी शॉप्स हैं और हम मेन केव में जा रहे हैं, मेन बातू केव्स के अंदर काफ़ी लोग हैं, कबूतर को खाना भी खिला रहे हैं। चलते हैं फिर अंदर। ये मिठाइयाँ आप ले सकते हैं, नमकीन मिठाइयाँ, माला, मंदिर के लिए मालाएँ हैं। Wow.
कितनी बड़ी भगवान जी की मूर्ति है और वो स्टेयर्स ऊपर जा रहे हैं। मेरे ख्याल से हमें जो वहाँ जाना पड़ेगा। अभी टेंपल है और टेंपल में कुछ सेरेमनी हो रही है मेरे ख्याल से। चलते हैं अब। कलरफुल सीढ़ीज हैं यहाँ पे और टेंपल है यहाँ पे। ये भी टेंपल है और ये पीछे भी मेरे टेंपल है। टेंपल में सेरेमनी हो रही है मेरे ख्याल से। बहुत कलरफुल बना रखे हैं सारे कलर्स उन्होंने, सारे कलर्स से पेंट करा हुआ टेंपल को ना। काफी ऊपर आ गया हूँ मैं इस टाइम ना, वहां से ऊपर आ गया हूँ, आधा रह गए। चलते हैं फिर आराम आराम से पहुंचेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा नहीं है। मेरे को लग रहा है 5-7-8 मिनट की वो होगी स्टेयर्स। काफी लोग हैं यहाँ पे ना। बहुत बड़ी गुफा है भाई। लोग गुफाओं में तो रहते थे जानवर से, बारिश से, टेम्परेचर ऊपर नीचे से बचने के लिए गुफाओं में रहते थे। यहाँ पे शॉप्स हैं थोड़ी, मेरे को लग रहा है सोविनियर्स ले सकते हैं यहाँ से ना आप। श्री वेला यूथा टेम्पल, वेरी गुड यार। यहाँ तक तो आप शूज पहन के आ सकते हो, पर शूज अंदर, आपको टेंपल के अंदर जाना, ये मेन टेंपल है, तब आपको शूज बाहर निकाल के आने पड़ेंगे अपने। यार इस टेंपल में खासियत ये है कि सब कुछ बहुत कलरफुल है। टिकट काउंटर, टिकट लेनी पड़ती है मंदिर के अंदर जाने के लिए, टिकट काउंटर है। अच्छा अच्छा ठीक है। ये भी एक टेंपल है। लोग शॉर्ट्स में भी आ रहे हैं, मतलब निक्कर पहन के भी आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा कवर करना पड़ेगा, पर अगर आपको जो दो दो टेंपल दिखाए ना, सांस चढ़ा हुआ है, आपको जो दो टेंपल दिखाए ना उसमें जाना है तो आपको पूरा कवर करना पड़ेगा और उसके लिए यहाँ पे कपड़े मिल भी जाते हैं। चलो चलते हैं फिर नीचे। ये इन्होंने फूड कोर्ट बना रखा है यहाँ पे। काफी बड़ा फूड कोर्ट है। चलो हमें तो अभी कुछ खाना नहीं है। मैंने नोट करा है यहाँ पे साउथ इंडियन क्राउड ज्यादा आता है, नॉर्थ के अलावा साउथ इंडियन क्राउड बहुत है। पांच रिंगिट की जो टिकट ली थी ना, उन्होंने बैंड लगा दिया था, जैसे वो नाइट क्लब पे बैंड नहीं लगाते मलेशिया। चलो भाई लोग इस जगह को बाय बाय करते हैं, कुआलालंपुर को। हम जा रहे हैं नई जगह लंकावी। आ गई हमारी ग्रैब, ये आ गई ग्रैब। 65 ले रही है रिंगेट, 65 होगी यहाँ से, 1300 रुपये हमारे, और सीधा तोड़ पे छोटेगी। आए तो हम बस से थे और जा रहे हैं अब। किस जा रहे हैं जारी? कैब से जा रहे हैं। कैब से जा रहे हैं। जहरी भाजी ने आज स्मार्ट लग रहे हैं, पकड़ी लगी हुई है। चलो ठीक है चलते हैं फिर। देखो जी यहाँ पे बादल कितने अच्छे लग रहे हैं। हाँ हेलीकॉप्टर हो रही है हमारे, देखो कितना अच्छा लग रहा है हमारा।
देखो हमारे दिल्ली में क्यों नहीं होता, क्योंकि दिल्ली में पोल्यूशन है, देखो तभी तो लोग आते नहीं है, टूरिस्ट क्यों नहीं आता इंडिया के अंदर, ये गंदगी में कौन आएगा भाई, कौन आएगा गंदगी के अंदर, चाहे इतनी अच्छी ऑप्शंस आपके पास है घूमने के लिए एशिया के अंदर। वाओ जारी पाजी, आपका फिर क्या एक्सपीरियंस रहा कुआलालंपुर के अंदर, ऑडियंस के साथ शेयर करो आप। अच्छी जगह घूमने के लिए, बट अगर मौज मस्ती के हिसाब से आते हो तो इतना एक्सपेंसिव है, थाईलैंड ज्यादा बेटर है। थाईलैंड तो पूरी दुनिया के अंदर है, बस फैमिली के साथ आते हो तो अच्छी जगह है घूमने फिरने के लिए, अच्छी जगह है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थाईलैंड तो भाई साहब अमेरिका यूके सारी दुनिया दीवानी है, क्राउड कम है वैसे तो, मतलब कुछ पर्टिकुलर जो पार्टी सीन है जहाँ पे बुकेट पिंदान वगैरह वहाँ क्राउड है, उसके अलावा बाकी शहर के अंदर इतना शोर शराबा नहीं है। इवन अगर आप बाकी जगह भी जाते हो तो ठीक है। और आपका नाइट लाइफ के अंदर क्या विचार है, या कि नाइट लाइफ कैसी है? ठीक है, नाइट लाइफ ठीक है, वैसे होता सब जगह की नाइट लाइफ अच्छी है, दिल्ली क्या या यूएस क्या, नहीं पर थाईलैंड का मुकाबला तो नहीं है, थाईलैंड का मुकाबला नहीं है, अगर नाइट लाइफ के लिए आना है तो ये बेकार जगह है उस हिसाब से, मतलब आ रहे हो ठीक है और ऐसे एक बट खाली अगर नाइट लाइफ के लिए आना है तो कोई फायदा नहीं है, बेटर ऑप्शन है थाईलैंड जाओ। और मैं कहूँगा तो मैं तो इस साल तो फिलीपींस भी हुआ है, वियतनाम भी हुआ है, और मैं कहूँगा फिलीपींस और वियतनाम इससे बेटर है, मलेशिया से बेटर है। सीधा सीधा हिसाब है ना कि करेंसी ऑलमोस्ट हमारी 20 गुना है तो थाईलैंड 2.5 गुना है, तो ये कि 2.5 की कैलकुलेशन फिर भी सही लगती है, 20 की कैलकुलेशन चुपनी शुरू हो जाती है थोड़े टाइम बाद, वो भी ठीक है कैलकुलेशन कर भी। और दूसरी बात है ये मुस्लिम कंट्री है तो यहाँ की मुस्लिम है, मुस्लिम के अंदर थोड़ी सा ऐसा नहीं है, एक एडवांटेज और भी है बिकॉज क्योंकि इंडियंस बहुत सारे हैं, पर्टिकुलर साउथ इंडियन कम्युनिटी भी है, तो ये कि वेज खाने की ऑप्शन है या इंडियन खाने की ऑप्शन में प्रॉब्लम नहीं है, वो सस्ता ही है कि डोसा वगैरह भी हो आपको 4-6 रिंगिट के आसपास मिल जाता है, मगर यह कि ढूंढना पड़ता है, वो थोड़ी आउटलेट्स अंदर करके हैं, बट थोड़ा घूमोगे तो सही है, बाकी वेल कनेक्टेड है मेट्रो से, लोग ग्रैब यूज करते हैं, बट हम रिकमेंड यही करेंगे कार्ड बनवा के अपना कि आप अगर लोकल घूमते हो तो लोकल ज्यादा बढ़िया है, अगर थ्रू मेट्रो और MRT क्योंकि पूरा वेल कनेक्टेड है, थोड़ी रिसर्च जरूरी है, बाकी आओगे तो पता लग ही जाएगा। चलो ठीक है, हमारा कुआलालंपुर हो गया, हमने एंजॉय करा 3 दिन, और नाइट लाइफ तो अच्छी, वैसे क्लबिंग देखी जाए तो क्लबिंग बहुत अच्छी है, और चलो लंकावी चल रहे हैं, और लंकावी के अंदर हम देखेंगे वो कैसा है, पर जितने भी वीडियो देखे हैं लंकावी भाई सब बहुत ही खूबसूरत आइटम है, आइटम कह रहा हूँ, बहुत ही खूबसूरत जगह है। पहुँच गए टर्मिनल, और खाने पीने की यहाँ बहुत मौज है भाई सर, मॉल खुला हुआ है पहले एयरपोर्ट से अंदर ही,